यूं तो हमारे देश में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अपने भीतर रहस्य और रोचकता दोनों समेटे हुए हैं और इसी वजह से ये दुनिया भर में जाने भी जाते हैं। इन्हीं में से एक है दक्षिण भारत में स्थित एक छोटा सा गांव। ऐसा कहा जाता है कि इसी गांव से होकर देश की आखिरी सड़क गुजरती है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी आखिरी सड़क के बारे में बताएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस सड़क का जिक्र हमारे पुराणों में भी मिलता है। हम बात कर रहे हैं भारत का अंतिम छोर कहे जाने वाले तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के किनारे स्थित धनुषकोडी के बारे में। यहीं पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क कहा जाता है। ये वो जगह है जहां से श्रीलंका साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन आज यह जगह बिल्कुल वीरान हो गई है और इसके साथ ही कई रहस्यों से भी भरी हुई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एक लौती ऐसी जगह है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है। इस जगह को दुनिया के लघुतम स्थानों में से एक माना जाता है। ये गांव बेहद ही रहस्यमय भी है। इसकी लंबाई महज 50 गज है। इसी वजह से इस जगह को दुनिया के सबसे छोटे स्थानों में माना जाता है। कई लोग तो इसे भुतहा भी मानते हैं। वैसे तो दिन के समय लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन शाम होते ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है। यहाँ रात के वक्त रुकना या घूमना सख्त मना है। बता दें कि यहाँ से रामेश्वर की दूरी महज 15 किलोमीटर है और पूरा इलाका सुनसान है। जाहिर है ऐसे में किसी को भी डर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह गांव हमेशा से सुनसान रहा है। कुछ समय पहले तक यहाँ लोग रहा करते थे। उस समय धनुषकोडी में अस्पताल से लेकर चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस सब थे, लेकिन साल 1964 में एक भयानक चक्रवात आया और इस गांव को उड़ा ले गया। सब कुछ तहस नहस हो गया। कहते हैं इस चक्रवात की वजह से 100 से अधिक यात्रियों के साथ ही एक रेलगाड़ी भी समुद्र में समा गई थी। इसके बाद से ही यह इलाका वीरान हो गया और तभी से लोग इसे भुतहा मानने लगे। कहते हैं कि धनुषकोडी ही वो जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण किया गया था। मान्यता है कि इसी जगह पर श्री राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेना रावण की लंका नगरी में प्रवेश कर सकी। इस गांव में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर भी हैं। अब कहा तो यह भी जाता है कि भगवान श्री राम ने विभीषण के कहने पर अपने धनुष के एक सिरे से इस पुल को तोड़ दिया था और इसी वजह से इस गांव का नाम धनुषकोडी पड़ा। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।